नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी प्रदान करने वाला हूँ, और ये जानकारी आपको तभी प्राप्त होगी जब आप हमारी वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। यदि आपने हमारी वीडियो को स्किप कर दिया, आपसे वो जानकारी मिस हो जाएगी। वो जानकारी क्या है, वो आपको हमारे थंबनेल से तो बस थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, लेकिन फुल जानकारी हमारी वीडियो को देखने से आपको मिलेगी। वो जानकारी ये है, देखिए, हम हमारे बच्चों को कितना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। हमारे माँ बाप ने भी हमें बहुत पढ़ाया लिखाया। आई एम ग्रेजुएट, बट स्किप कर दी थी मैंने कुछ ग्रेजुएट एंड थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं किया। इन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, लेकिन सरकारी नौकरी लगे, अभी तक अथक प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। कितनी सैलरी मिलेगी? 30,000, 40,000। प्राइवेट नौकर जब हम मान के चलिए, जब हम सरकारी नौकरी नहीं लगते हैं, फिर हम जाते हैं प्राइवेट नौकरी की तरफ, वहां हम अग्रसर होते हैं। होता क्या है, 5,000, 7,000, ये भी ज्यादा कह दी, प्राइवेट संस्था वाले हमें देते हैं और खाल खींच लेते हैं हमारे, काम करवाते करवाते। लेकिन किसी ने ये सोचा होगा, शायद घर रहकर भी पैसा कमाया जा सके, वो भी 10-15 हजार, बल्कि 10-15 लाख भी। लेकिन कैसे, किसी को पता ही नहीं। कुछ औरतें हैं जो बाहर नहीं जा सकती, और वो ये चाहती है कि हम पैसा कमाएं, हाँ और घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन वो चाहती है कि घर में रहकर ही पैसा कमाएं। ठीक है। ये क्या हो गया, टैप स्क्रीन टू रिटर्न टोन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्या होने लग गया भाई? अचानक से ये हो गया था, डिम हो गया था स्क्रीन। दोस्तों, जैसे मनीषा जी ने बताया, कुछ महिलाएं होती हैं जिनका डिवोर्स हो चुका होता है, और या विकलांग हो औरत, वो क्या करेगी बेचारी। उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो मैं आपको बताऊँगा वो फॉलो करना है। इससे आप घर बैठे 5,000 नहीं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे वर्क करना होगा। ये कोई नेटवर्क मार्केट नहीं है, जैसे कोई सामान खरीदा बेचा, ये वो नहीं है। मार्केटिंग प्लान नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म है, जो मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। आप जानते भी हैं उसको अच्छी तरह से, आप डेली वेज यूज करते हैं उस प्लेटफॉर्म को, लेकिन आप अथक प्रयास करते नहीं हैं, डरते हैं आप। क्या करना है आपको, जैसे हमसे लगा लीजिए, हमने पढ़ाई लिखाई की, हमने प्राइवेट नौकरी के लिए भी बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन नहीं मिली। मिली भी तो, लेकिन वही बात हुई, 5-10 हजार रुपये देते थे, 10 भी कहाँ, वैसे ही कह दिया मैंने, 5 या 7 ही देते थे, और इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, और सुबह जल्दी उठो वगैरह वगैरह। अब हमारा यूट्यूब है, हम क्या करते, हमारा टैलेंट था, हमने दिखाया, यूट्यूब ने हमें एक्सेप्ट किया, लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया, और स्वीकार करने के बाद हमारा जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का, हमने वो कंप्लीट किया। और सिर्फ आप लोगों की वजह से दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। खर्चा निकल जाता है, और मैं पढ़ाई करता हूँ, अब पढ़ाई करता हूँ, कंटिन्यू है। पढ़ाई तभी कर पाएंगे जब थोड़ा मोटा खर्चा आएगा। ये क्या आ गया डिवाइस, क्या हो रहा है, टैप द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। क्यों मुझे नहीं पता है इसके अंदर क्या हो गया है ये। चलो खैर, जो भी है, फोन के अंदर ही कोई सिस्टम है जिससे कि हाथ हटाओ, ये डिम हो जाता है, और ऑटोमेटिक ये ब्लैकनेस आ जाती है। ठीक है, और मैं क्या बात कह रहा था, वो बात भी हम भूल गया, कहाँ था मैं। यही कह रहे थे कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ, मेरे मैं अब को सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि थोड़ा मोटा खर्चा आएगा, तभी तो मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा। अब
कितना आता है? इतना आता है कि घर खर्चा चल जाता है, और जो मैं कमाता था उससे भी ठीक चल जाता है घर खर्चा, और मैं पढ़ता हूँ, अच्छा मज़ा आता है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं हम, नॉलेज आती है। तो देखो, जो प्राइवेट क्षेत्र में मिलता है उससे तो अधिक कमा ही लेते हैं, लेकिन आप भी कमा सकते हैं। कैसे? ज़रूरी नहीं है कि आपको म्यूजिक पे एक्टिंग नहीं करनी आती, क्या पता आपको और आता हो। कई भाई ये सोचते हैं या बहनें ये सोचती हैं, हम क्या बनाएंगे यूट्यूब पर, हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। देखो, भगवान ने कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनाई है, टैलेंट सबके अंदर है, लेकिन आपको शांत दिमाग से देखना पड़ता है वो टैलेंट क्या है। ठीक है, इनके अंदर भी टैलेंट है, इनको मिट्टी के घोड़े बना दिए, हाथी बना दिए, और कान्हा जी बना दिया, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बना दी थी मिट्टी की, लेकिन ये हेजिटेशन फील करती है कि कहती है आई डोंट डू दिस वर्क, आई फील शेम, इन्होंने मुझे ये कहा। फिर मैंने कहा कि डोंट केयर एनीबडी, यू हैव अ टैलेंट, गो हैड एंड शो ऑन पब्लिक ऑन यूट्यूब। ये फिर ये होगा, ये डिम होने वाला था, मैंने इसको दोबारा से ये कर दिया, दोबारा से हाथ लगाना पड़ता है इसको ताकि ये डिम ना हो। तो मैंने इनको कहा कि नहीं, कंटिन्यू, गो हैड, शो योर टैलेंट। तो इन्होंने कहा कि पहले तो हम एक्टिंग करते हैं इन पर, यही ठीक है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है भाई, तुम एक्टिंग करते हैं, हम इस पर ही बना लेते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी करने का हमारा कोई माध्यम नहीं है, लेकिन पता नहीं बस ऐसा होता कि आप लोगों को सारा ही जो हम ज्ञान है वो सारा ही दे दें। जैसे हम वीडियो से पैसे कमाते हैं, जितना हमें पता है वो सब आपको भी पता होना चाहिए हमारी, बस क्योंकि आपने हमें जिताया है, हम सोचते हैं कि क्यों ना इनको भी थोड़ा ज्ञान दे दें, क्यों ना ये भी कुछ सीख लें। हमारे जैसे कितने गरीब भाई बहन हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए करते हैं और किस लिए करते हैं? अच्छा पैसा होगा, अच्छा रहन सहन होगा हमारा, यही तो बात है। देखो क्या करना है आपको, यदि आपके अंदर टैलेंट है, आपको तुम्बी बजानी आती है, आपको गिटार बजाना आता है, आपको गिद्दा पंगड़ा आता है, खाना बनाना आता आपको है, कुक अच्छे हो, खाना बनाना आता है, अगर खाना भी हो उसके, यदि आपको खाना आता है, हर चीज की कला होती है दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बोलने की भी कला होती है, बात करने की भी कला होती है, यदि आपको ये सब मनीषा जी ने कहा कि खाना आता है, देखो रेसिपी बना के आप बनाते ना यम्मी, देखो हम ये खा रहे हैं, इतना लाजवाब है, टेस्टी, ये भी आप बना सकते हैं। कोई भी कला हो, जैसे आपको खाट भरनी आती है, मंजी भरनी आती है, मैंने ये कहती है आपको, जैसे मिट्टी के, जैसे चूल्हे बनाने आते हैं, और बर्तन बनाने आवे, जैसे मज बीमार हो जाती है, उनके थन खराब हो जाते हैं, दूध कम हो जाता है, ऐसी यदि आपको आयुर्वेदिक जानकारी आप ये भी दे सकते हैं, वीडियो के माध्यम ब्लॉग बना सकते हैं आप अपनी आप बीती बता सकते हैं। देखो हम फैमिली के बारे में बता सकते हैं, हमारे परिवार में ऐसा था, ऐसा हो गया दोस्तों, ये वगैरह वगैरह आप बता सकते हैं। यूट्यूब पर आप आइए, अपना प्रदर्शन कीजिए, पहली बार आप आएंगे, शुरुआत शॉर्ट व्यू से, शॉर्ट से कीजिएगा, पहले आप बड़ी बड़ी ब्लॉग बनाकर मत डालिएगा। मेरे भाई और बहनों, पहले आप शॉर्ट वीडियो बनाइएगा, अल्लाह ऐसे ऐसे करते देखेंगे और लाइक करेंगे, लाइक होगा तो आगे वीडियो बढ़ेगी। मेरे भाई और बहनों, आज मेरा वोटिंग का दिन था, आज वोट करके आया हूँ। देखिए ये तो हमारे माननीय किंग नरेंद्र मोदी जी की हमने मिमिक्री की है, जैसी आती है कर दी। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए बस, शॉर्ट वीडियो बनाओ, एक दिन वायरल होगी, अच्छा कंटेंट बनाओ, जब बड़ी वीडियो बनाओ तो वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, ऐसे करते करते आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। पहले YouTube पे देख लेना, मोनेटाइज करने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है,
और आपका चैनल मोनेटाइज करके ही एडसेंस अकाउंट बनाकर पैसा छापो, ठीक है ना? आज कमारे कल ज्यादा आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है? लोग हंसेंगे, क्या कर रहा है? अरे देखो ये कैसे कर रहा है, हंसने दो। लोगों का काम ही है हंसने का। जब आपकी चढ़ाई होगी, लोग आपको गाली क्लोज करेंगे, वगैरह वगैरह कुछ कहेंगे, आपको नीचे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीछे मत हटना दोस्तों। एक कहानी है मेंढक की। मेंढक बहरा हो जाता है, ठीक है, और कुछ मेंढक होते हैं जो उन्हें सुनाई देता है, और जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ते हैं, उनको कुछ मेंढक कुछ कुछ कहते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, उनका ध्यान भटकता रहता है। ऐसे वैसे वो सारे मेंढक अपना ध्यान भटक जाते हैं और पहाड़ों की फिसलन से फिसल कर मर जाते हैं। लेकिन वो बहरा मेंढक, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया और वो ऊपर चढ़ गया। और वही मेंढक हम हैं, हमें बहरे मेंढक बनना है और अपनी मंजिल को जाना है मित्रों दोस्तों, ठीक है ना? तो YouTube पर पैसा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई करो, लेकिन साथ में कुछ पैसा भी तो होना चाहिए। और हमने देखो व्रत रखा है, और मैंने मनीषा जी के कहने पे व्रत रखा है। इन्होंने कहा कि माता के व्रत रखो, पूरी दुनिया ने रखे, आप क्यों नहीं रखते? क्या आप 9 दिन भूखे नहीं रह सकते? तो मैंने इनकी बात मानी है और ये देखो बताएगी अब। आइए मनीषा जी, देखो हंसने लग जाती है। अच्छा फोन दो मुझे, आपको हम मंदिर दिखाएंगे हमारा, और व्रत के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? देखो ये मनीषा जी ने माता रानी की जोत लगा दी है, हाथ मत चलवा लेना, ठीक है? ये मनीषा जी यहाँ देखो, ये अगरबत्ती धूप है चंदन की, अच्छी महक आती है, फ्रेग्रेंस अच्छी आती है इस धूप से, और ये लंग्स के लिए हानिकारक नहीं है। और ये देखो शेरावाली की माता की हमने व्रत रखे हैं, तो 9 दिन ये व्रत रखने पड़ते हैं। और दिखा दिया अपना मंदिर। हाँ जी दिखा दे, ये नारियल रखा है। हाँ जी बताओ अब, ये देखो आप, चलो मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ यहाँ से, आप बताओ आपको, जैसे हमारे सिख भाई हैं, हमारे जो ये माता है, हमने व्रत रखा है, चलो बताओ, हंसो मत, हंसने कोई बात ही नहीं है, क्यों रखते हैं हम ये व्रत? नमस्कार जी, हमने 9 दिन का व्रत रखा है माँ दुर्गा के लिए, और ये नवरात्रे पता है आप सबको क्यों मनाए जाते हैं? ये नवरात्रों में कुछ लोग गिद्धा करते हैं, अलग अलग तरह से मंगनाते हैं, जैसे कोई भंगड़ा करता है और कोई व्रत रखता है 9 दिन के लिए। और ये 9 दिन व्रत पता है क्यों रखे जाते हैं? जब एक था महिषासुर, वो राक्षस था, उन्होंने उसकी वो ब्रह्म दे वो है ना जो चलो बोलो, हंसो मत, यदि आपको जानकारी है तो बताओ। उन्होंने ब्रह्मा जी की सेवा करी थी, और ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रसन्न होके उन्हें पूछा उसमें महिषासुर से कि बोलो आपको क्या वरदान चाहिए। महिषासुर ने बोला कि महाराज मुझे तो ना अमर होने का वरदान चाहिए। और ब्रह्मा जी ने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुनिया में अगर कोई आया उसे जाना भी है, कोई भी टिक के ना रहा है, तुम दूसरा वर मांगो। महिषासुर बोला चलो ठीक है, अगर आप ये वर ना देते तो मुझे ये वर दीजिए कि ना ही तो मुझे कोई देवता मार सके और ना ही कोई राक्षस या दानव मार सके, अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी औरत के हाथ ही होनी चाहिए। और ऐसा करके ब्रह्मा जी ने सोचा चलो कोई नहीं, दे इसको वर दे दिया। और फिर महिषासुर बहुत सारे लोगों को परेशान करने लगा, शासन जमा लिया अपना, राजा बन गया, और देवताओं को भी परेशान करने लगा। देवता सारा शिव और विष्णु ब्रह्मा जी के पास गए क्योंकि वर तो उन्हें नहीं दिया था। फिर वो
मतलब कि उनके पास जाके और दुविधा में पड़ गए कि क्योंकि देवता भी नहीं मार सकते उसको। फिर उन्होंने सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर माँ दुर्गा शक्ति को वर दिए और उनकी एक एक शक्ति निकलकर माँ दुर्गा के अंदर चली गई और फिर उनका एक मनमोहक रूप सामने आया और ऐसा देखकर महिषासुर के मन में लालसा होगी कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा। माता ने कई बार मना किया, नहीं चला जा महिषासुर, चला जा महिषासुर, मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ, लेकिन वो नहीं माना और बोला कि हे स्त्री, हे देवी, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, हे सुंदरी। और माता ने गुस्से में आकर 9 दिन तक लड़ाई चली महिषासुर और माँ वैष्णो के बीच में और एक 9वें दिन माता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। माता ने बहुत मनाया उसे लेकिन वो माना नहीं। एक 9वें दिन माता 9 दिन लड़ाई चली, 10वें दिन माता को गुस्सा आया और उसका शीश तार दिया और इस कारण ही सभी औरतें व्रत रखती है माता का और 9 दिन ही ये व्रत चलता है। ओके, नवरात्रि के बाद जो आखिरी दिन होता है उस दिन नौमी और आठम और नौमी दोनों इकट्ठी मनाई जाती है। कुछ आठम को लगा भोग खोलते हैं इसका और कोई नौमी को। और पता है क्या लगता है, चने सब्जी में चने बनते हैं, पूरी बनती है, खीर बनता है, हलवा बनता है और माता का भोग लगता है। किन्नाएं बिठाई जाती है, कोई 9 बैठाता है, कोई 7 बिठाता है, कोई 5 बिठाता है, अपनी श्रद्धा के समान ही बिठाई जाती है। और जैसा उनसे पुगे 1 रुपया, 2 रुपये या 10 रुपये कुछ भी दान करे या फिर उनकी आवश्यकता हो जो उन कन्याओं को वो चीज दे और उनको, या फिर ये कर ले कि कोई भूखे प्यासे लोग हैं उनको भोजन करा दे वही। हाँ जी, ऐसा ही है। अब तो हमारे ये सभी स्टेटों में रखा जाता है, आपके पंजाब में पता नहीं रखते या नहीं है। अब तो इन व्रतों को पुरुष भी रखने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि इन व्रतों से माता प्रसन्न होकर मन चाहा वरदान प्रदान करती है। हम देखिए जी, हमने नवरात्रों के लिए एक सूट रखा है जिसको हम सिलाएंगे और जब नवरात्रे खोलेंगे ना तब इसको पहनेंगे। ये देखो, ये खेरी दी मेरे को दिलाओ, ये 1000 रुपये का लाए हैं इसको दिलाकर। ये देखो जी बैक में, ये ग्रीन कलर का लाई है ये, क्योंकि माता रानी का या तो ग्रीन होता है या फिर रेड होता है। एक और पसंद करके आई है ये देखो जी, और करवा चौथ पर रेड लेके आएंगे। ये देखो जी, ठीक है, ये इसका दुपट्टा है। और क्यों, कई बहने वीडियो देखती है तो दुपट्टा मैंने कहा था कि मन चाहा वरदान मिलता है यदि कोई सच्चे मन से अगर इस व्रत को रखता है। ये नहीं भाई माता अब मेरे को मोदी की तरह प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा कर दो, ऐसा वरदान बस जो आपके योग्य होगा ऐसा ही वरदान मांगना, ठीक है। तो भूखे रहकर मन में कोई कपट ना होना चाहिए, गाली गलौज ना देकर और भूखा रहना पड़ता है भाई, तकलीफ बहुत होती है। जैसे हम दिन में 3 बार खाना खाते थे, अब सिर्फ फल फ्रूट खाते हैं और माता के गुणगान करते रहते हैं, माता का नाम जपते रहते हैं और मन बड़ा ही प्रसन्न है, भूख भी नहीं लगती है और मन बहुत प्रसन्न रहता है तब जब से ये व्रत रखे हमने स्टार्ट किए। और ये हमारा छोटा सा मंदिर है, छोटा ही है, हाँ ये हमने अभी मंदिर बनाया है। तो देखिएगा, गरीब है लेकिन जो परमात्मा दे रहे हैं उतने में खुश हैं। खुश रहना सीखिए दोस्तों, जिंदगी क्या है, अमीर और गरीब सभी को मरना है। अपनी जिंदगी से कभी उदास मत होना, चाहे कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितना बुरा समय आ जाए, कुछ भी इस धरती पर स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। सब यहाँ जो कुछ भी है जेन्युइन ऑथेंटिक नहीं है, सब आर्टिफिशियल है, ये प्रभु की माया है। क्या है? प्रभु की माया है और कुछ भी नहीं। शरीर मरते रहते हैं, आत्माएं जन्म लेती रहती है, जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है और जब आप वीडियो देखते हो ना लाइक कर दिया करो, स्किप मत किया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो हमें बहुत फायदा होगा। फायदा ये होगा कि लोग
हमारी वीडियो को जितना शेयर करेंगे देखेंगे उतनी हम वीडियो बनाएंगे, उतनी वीडियो बनाएंगे, हमें ऐसा लगेगा हमारी बातें कोई सुनता है तो हम मोटिवेट होंगे और वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और अगर नहीं कोई देखेगा, नहीं शेयर करेगा तो हमारा और डिसलाइक भी मत की दोस्तों। देखो हाथ जोड़ के बिनती है, डिसलाइक मत किया करें, लाइक नहीं करते हैं तो ठीक है दोस्तों। और आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे, परसों फिल्म फिर मिलेंगे और हाथ जोड़कर हैप्पी नवरात्रि। हाँ, सभी भाइयों को नवरात्रों की शुभकामनाएं, ठीक है जी। एंड भाई बहुत प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से फिर हाथ जोड़कर हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपके आभारी हैं। पंजाब वासियों, लव यू, सल्यूट ऑफ यू।